हाँ ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफ़ी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा तो वो एक तो उसमें ये कितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा, जो इंसाइटाइजेशन के खिलाफ है कंपनी के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जान मुझे बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना उसको वो बैठ तो वही असल में देश भर में बिल्कुल। और ये बोलना भूल गया मैं, वो उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहा कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेगा, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को निकाल देंगे, वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। मैंने वो चलेगा, अरे हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है फरीदा साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है, असल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रही थी, ये दिखाया जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी शुरू हो चुकी है अभी से। अब क्या हुआ कि दोस्तों एबीपी न्यूज ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे, इस गाँव में छत्तीसगढ़ में गाँव था, इस स्पेसिफिक औरत के पास ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे ये पूछने के लिए कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है क्या। और 6 जुलाई को पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने न्यूज शो पे सच दिखाया, इनके न्यूज शो का नाम था मास्टर स्ट्रोक, ये 9 से 10 बजे आता था एबीपी न्यूज पे। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? इन औरत का नाम था चंद्रमणि और इन्होंने कहा कि नहीं मेरी आय डबल नहीं हुई है। किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त ये महिला पीएम मोदी को बार बार बता रही थी कि उसकी आय धान की खेती से नहीं बल्कि सीताफल के व्यापार से दोगुनी हुई है। हम लोग पहले 2 एकड़ में धान लगाते थे सर, उसमें ज्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था, कांकेर में सीताफल बहुत अधिक जिसे दिल्ली में शरीफा के नाम से जाना जाता है सर, हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, फिर हम लोग आत्मा कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े, उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफा कमाते हैं सर। ये सीताफल भी लेके बैठी है क्या आप, कि वो बॉक्स है? बॉक्स है सर, इसी में ले जाते हैं रायपुर दुर्ग भिलाई सर। हाँ, और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। अच्छा, मगर पत्रकार साहब को तो क्रांतिकारी पत्रकारिता दिखानी थी, सीताफल को उन्होंने और उनके रिपोर्टर ने गायब कर दिया और चंद्रमणि से यही कहलवाने की कोशिश करते रहे कि उसकी आय धान से दोगुनी हुई है या नहीं। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। जब आय धान से नहीं सीताफल से दोगुनी हुई है तो चंद्रमणि का जवाब तो यही आना था, लेकिन इस खबर को देखने के बाद चंद्रमणि को क्रांतिकारी पत्रकार साहब की असली मंशा समझ में आ गई और उसने खुद सामने आकर इन क्रांतिकारी पत्रकार साहब की पोल खोल दी, जिनके रिपोर्टर चंद्रमणि के खेत तक तो गए भी नहीं थे। मैंने सीताफल का पल्प निकालते हैं उससे दोगुनी आय बताई थी उनको, बीपी न्यूज वाले आए थे वो लोग उसमें गलत तरीके से दिखा रहे हैं और खेत वगैरह का जो दिखा रहे हैं वो हमारा खेत का भी नहीं है और मैं खेत में गई नहीं थी, वो लोग आए थे यहाँ के महिला मंडल में और हमारा इंटरव्यू यहीं पे हुआ था उनका, पर पता नहीं क्या खबर दोगुनी दोगुनी पूरा
गलत कर रहे हैं वो लोग, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। वाकई क्रांतिकारी पत्रकार साहब, आपकी क्रांतिकारी पत्रकारिता के तो क्या कहने। मोदी विरोधी मुहिम चलाने के लिए इतनी छोटी हरकत पर उतर आए कि अपने ही देश के पीएम को बदनाम करने लगे। सर, ये तो टट्टी है। मैनू टट्टी आंदी पई, मैनू टट्टी आंदी पई।